व्हाट्स अप पीपल, मेरे साथ आज एक ऐसे भाईजान हैं जो पहले बजरंगी थे, फिर कहीं गए और फिर भाईजान बनकर आ गए, दी वन एंड ओनली सलमान खान। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर हेलो। सर, एक फिल्म बनाई है आपने बजरंगी भाईजान, जो लोगों के दिलों में राज करी। अभी इमोशनल हो गए थे काफ़ी सारे लोग, मैं खुद भी इमोशनल हो गया, आमिर खान इमोशनल हो गया, और भी बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। ये इमोशन और आपका नाता कैसे अचानक से जुड़ गया सर? यार, इमोशन और मेरा नाता तो हमेशा ही सही था, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हमको एक ही चीज़ जोड़ता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से, वो है इमोशन। अगर एक्शन भी है तो उसमें इमोशन की ज़रूरत है, रोमांस भी चलता है तो इमोशन के साथ ही चलता है। तो अगर किसी का मानना ये है कि पहली की फिल्म ऊट पटांग थी और सिर्फ एक्शन, यू नो, पंच लाइन्स वगैरह थे, वो गलत बात है, क्योंकि हर फिल्म के साथ इमोशन जुड़ा होता है, कभी माँ के लिए तो कभी गर्लफ्रेंड के लिए तो कभी फादर के लिए तो कभी देश के लिए, कभी कॉमन मैन के लिए। तो वो इमोशन तो जुड़ा, बिना इमोशन के इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग इमोशनलेस हैं वो बड़े लकी हैं, क्योंकि उनको वो दर्द नहीं होता, वो दे डोंट गो थ्रू दैट पेन, दे लिव लाइफ डिफरेंटली। बट मेरा मानना यह है कि जिसके पास इमोशन है उसके पास पूरी कायनात है। ही इज गॉट द लव, ही इज गॉट द रिस्पेक्ट ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऑफ हिज fans, followers, whoever, brothers, everyone. He just, you know, I just feel there's nothing above emotion, love, need, respect. सर, लेकिन जो इशू था इंडो पाक इशू, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को ध्यान रख के ऐसी फिल्में जब बनाई जाती, एक सोशल इशू होता है, एक कॉज होता है इसके पीछे, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा वो हमने जब स्क्रिप्ट सुनी थी हमने, तो हमको, हम खुद जस्ट एक एक वन लाइन के ऊपर हम वी फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट। तो हमें पता था कि इसमें म्यूज़िक आएगा, इसमें परफॉर्मेंसेस आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, ये पर्दे पे इट लुक लाइक समथिंग एल्स होनी। एंड और हमने ये हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये एक बैकड्रॉप था फिल्म का। फिल्म की रियल जो पहचान है वो आई कैन से बीइंग ह्यूमन टाइप का है, वो इट्स ह्यूमैनिटी। एक आदमी का फ़र्ज है कि एक छोटी बच्ची जो खोई हुई है उसको आप जाके उसके घर छोड़ा। अब उसके अंदर क्या क्या परेशानी है, कौन कौन लोग हेल्प करते हैं, कितने अच्छे लोग होते हैं, यू नो, कितने लोग अपनी यू नो ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करते करते दे रियलाइज के अरे यार ये तो गलत बात है। So you just show the positive side of everyone instead of, you know, getting into this negative side. बात करते हैं सर प्रेम रतन धन पायो की, यू नो, अभी सूरज सर के साथ वापस से यू बोथ आर कमिंग बैक, द केमिस्ट्री इज कमिंग बैक, द फैमिली रोल्स आर कमिंग बैक। डबल रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए? अगर कैरेक्टर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कैरेक्टर्स बहुत ही अलग हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। इफ द स्क्रिप्ट इज फिनोमिनल एंड यू आर चार्ज्ड बाय द स्क्रिप्ट, देन यू आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट। अब बजरंगी भाईजान के बाद सूरज फिल्म आफ्टर 14 ईयर्स के वनवास के बाद आई एम बैक टू राजश्री, एंड I just think it's like the most amazing experience working with Suraj again. ये तो पिक्चर थी, अब हम लोग घर में घुसे ना, वापस घर में आओ, हम हमारे घर में देखें, आप पिक्चर देखो, आप अपने घर में आ जाओ, बाहर की दुनिया छोड़ दो, अब पहले अपना घर सुधार। That is what we're doing in प्रेम रतन धन पायो, के भाइयों बहनों को लड़ना नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा लड़के, किस बात का।
किस बात का झगड़ा? क्या चाहिए मांगो? व्हाट इज अ प्रॉपर्टी का मसला है? क्या है बड़े छोटे का मसला है? क्या है? सिट अक्रॉस, सॉर्टेड आउट. एंग्स्ट है इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म के अंदर रोमांस लव स्टोरी है. बट इस लव स्टोरी के अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ वी गेट आवर फैमिलीज टुगेदर. हम सब कहीं ना कहीं बिखरते जा रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं मॉरल्स स्क्रूपल्स कम होते जा रहे हैं. हम लोग उस पर आ गए हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी के लोग कर ही रहे ना यार, क्या हर जगह हो ही रहा है ना. सो वी आर टेकिंग दिस एडवांटेज ऑफ दिस. दिस इज़ गेटिंग इट बैक, दिस इज़ गेटिंग बैक द कल्चर. हम लोग जब पिक्चर बनाते हैं तो कोई एक पेंडिन ले लेता है, तो कोई ब्रेसलेट पहन लेता है, तो कोई बालों की हेयर स्टाइल कॉपी कर लेता है. जब सूरज पिक्चर बनाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है सूरज के साथ काम करते हुए, वो लोगों को चेंज करता है, वो हमारे सभ्यता को वापस लेके आता है. वो जो कोई भी अच्छाई उसको आपके दिल में वापस से बिठा देता है. तो सूरज की फिल्म देखना इस बोलते ना कि गंगा ना आए, दैट इज़ वॉट सूरज बर जाता है. आप देख लो उसकी कोई भी पिक्चर, मैंने प्यार किया से लेके आप देख लो हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह. जब सूरज घर में होता है कि सूरज की खुद की पर्सनालिटी है, तो आपको सिर्फ ये सिखाता है कि क्या फ़ायदा यार, क्या लेके जाओगे, प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छी तरह से रहो, खुश रहो, देखो कि दूसरे भी खुश हैं, और पहले अपना घर सुधारो, पहले अपनी फैमिली की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स. हर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन सोचो अगर फैमिली ना हो तो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होती है. मतलब कि आपको फैमिली मीन्स हर चीज़ मिल गई, और आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आप उस ब्यूटीफुल फैमिली को खो रहे हैं. सॉर्ट आउट करो यार. लास्टली सर, आपने अभी कहा सूरज सर की मूवी है ये, यहाँ पे पारिवारिक संबंध ज़्यादा दिखाए जाते हैं, हर एक चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन इसमें एक्शन भी है इस बार इस फिल्म में. सूरज की जो मैंने फिल्म की फर्स्ट फिल्म मैंने प्यार किया उसमें ढेर सारा एक्शन था जी. उसके बाद हम साथ साथ हैं और हम आपके कॉम में नहीं था, इसमें एक्शन वापस आ गया और फॉरेन टेक्नीशियंस आए हैं, फॉरेन एक्शन डायरेक्टर आया है, यहाँ के भी हैं, और एक बहुत बड़े लेवल पर एक्शन है इसमें के अंदर. तलवारबाजी है, मुक्केबाजी है, और इमोशनली चार्ज्ड एक्शन है इस फिल्म का. सो लास्टली, थोड़े दिन पहले मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो आपने वहाँ पे कहा था कि प्रेम रतन धन पायो विल बी योर बेस्ट मूवी विद बजरंगी भाईजान फॉर दिस ईयर, राइट? यस, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट. दैट्स इट. सलमान सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी एंड द शूट. एंड आपकी तबीयत कैसी है अभी? मेरी तबीयत क्या हो, हम फाइन. तबीयत के पीछे क्यों पड़े मेरी यार, मेरी तबीयत ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कैमरन फैजान के साथ राकेश तिवारी, बॉलीवुड नाउ, मुंबई.